दोस्तों ये लाइव ट्रेड चल रहा है। इस लाइव ट्रेड में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, पहले मैं पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ। ये 18,300 की पुट बाय करी है यहाँ पे, और साथ में ऑर्डर्स में मैं दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने कोई अभी एसएल नहीं लगाया है, स्टॉप लॉस ऑर्डर मेरा कुछ नहीं लगा हुआ है। लाइव प्रॉफिट चल रहा है, 1500 के आसपास का लाइव प्रॉफिट है। मार्केट में अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को आपको समझना है, आपको देखना है कि मार्केट किस तरह से काम करती है, किस तरह से मार्केट लोगों को ट्रैप करती है, तो आपको ऑप्शन चेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन चेन देखना सीखें, आप देख पाएँ। इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने 18,300 की पुट बाय की है। पुट बाय करने का जो रीज़न है आप यहाँ पे देख रहे हैं, 18,300 का जो कॉल की साइड जो रेजिस्टेंस है 18,300 का, ये देखिए हैवी रेजिस्टेंस है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना हुआ है इसमें, तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी एक रेजिस्टेंस है कॉल साइड, और ओपन इंटरेस्ट का भी एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे पुट साइड देख के जो टॉप बॉटम है यहाँ पे 18,200 का है, तो यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट मूव कर सकती है नीचे की तरफ, लेकिन उसको एक पहला सपोर्ट मिलेगा तो 18,250। तो हमारा जो इस ट्रेड का टारगेट होगा वो 18,250 हो सकता है, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 18,200 हो सकता है। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है हमने। अभी इसके जो LTP देखेंगे 90 के आसपास हो चुका है, टोटल प्रॉफिट 1600 के आसपास का हो चुका है। तो ये मैं ट्रेड कर रहा था टेस्टिंग मोड में, ताकि हम ऑप्शन चेन को और अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चेन आपके साथ भी शेयर करिए। तो इस ट्रेड के साथ जो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा सपोर्ट जोन है वो 18,200 है, और सपोर्ट जहाँ पे मार्केट ले सकता है, जो मेजर सपोर्ट है 18,200 का है, मेजर रेजिस्टेंस 18,300 का है, और साथ में यहाँ पे जो पोजीशन चल रहे हैं अभी 1500 की कुछ की पोजीशन चल रहे हैं, और हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, देखेंगे इस ट्रेड में कितना हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप वीडियो बने दोस्तों। यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, और निफ्टी के चार्ट में हम लोग टाइम फ्रेम लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे मैंने ये पुट बाय की है, एकदम टॉप पे पुट बाय की है। मार्केट 18,297 के आसपास का पहुँच गया था, और अगर आपको ऑप्शन चेन के अंदर कन्विक्शन है तो आपको चार्ट की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब 18,290 के आसपास 300 के आसपास ही मार्केट है, तो मीन मार्केट अपने अभी रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो हम लोग चाहे रेजिस्टेंस चार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ कर दें, या फिर रेजिस्टेंस हम ऑप्शन चेन के अंदर से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें, तो दोनों ही रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करते हैं। बट जो ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे हम अपने ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ हमें कॉन्फिडेंस आता है उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। साथ में हम लोग अभी इन ट्रेड्स को होल्ड करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो जो टारगेट रहेगा वो 18,240 के आसपास का टारगेट होगा, और अगर 50 के आसपास का भी होगा तो फिर हम लोग ट्रेड से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। बट अभी यहाँ पे एक भी रेड कैंडल बना नहीं है, फिर भी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है पुट साइड। बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट आज का जो डे हाई है वो ब्रेक कर देगा, 18,315 ब्रेक कर देगा, बहुत सारा इस तरह के लोगों को लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कन्विक्शन है और आप ट्रेडिंग को एक नए नज़र, दोस्तों फाइनली प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, 2903,000 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग है। ये लास्ट प्रॉफिट चल रहा था 3100 रुपये के आसपास, जब तक ट्रेड को काटा तब तक ये प्रॉफिट 2927 के आसपास का रह गया था। मेरा बिल्कुल ही मतलब नहीं है आपको ट्रेड दिखाना या प्रॉफिट और लॉस दिखाना, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सीखें चीज़ों को तो फिर हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम कन्विक्शन ला सकते हैं, साथ में प्रॉफिट अल्टीमेटली सबका जो अल्टीमेटली एम होता है वो प्रॉफिट ही होता है। तो हम चीज़ों को अगर सीखें और इस तरह से जानकारी रखें अपने काम की, तो निश्चित तौर पर हम अपना एक प्रॉफिट कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। तो मैं नया कोर्स लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, ऑप्शन चेन किस तरह से काम करती है, या ऑप्शन चेन कहां पे फेल हो जाती है, या कहां पे चार्ट्स फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
इस डिस्कशन को आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हर स्टॉक के इन्वेस्ट